हेलो स्टूडेंट्स, अनोखी लर्निंग में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का पाठ 4 सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इसके हम अभ्यास कार्य प्रश्न उत्तर करने वाले हैं डिटेल में। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, और चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस चैनल पर आपको संस्कृत से रिलेटेड हर टॉपिक पे वीडियो मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा, पाठे दत्तम गीतम सैस्वरम गायत। पाठ में दिए गए जो गीत हैं उनको गाना है, तो ये छात्र छात्राएं स्वयं करेंगी, हमने चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा दिया है। सेकंड क्वेश्चन है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। जो नीचे दिए गए पर्सन हैं उनका उत्तर एक पद में लिखना है। क है, स्वकीयं साधनं किं भवति, अपना साधन क्या होता है, बलम बल या ताकत। ख है, पथि के विषमः प्रखरः, विषमः मतलब विषम प्रकार के, अलग अलग प्रकार के टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे क्या होंगे। पथि होता है जो जाने वाला होता है, यात्री होता है, उसके रास्ते में टेढ़े मेढ़े क्या होंगे, तो होगा पाषाणः पत्थर। अगला है, सततम किम करणीयम, सततम लगातार क्या करना चाहिए, तो आंसर होगा ध्येय स्मरणम, अपना जो ध्येय है उसका स्मरण करना चाहिए कि हमें क्या करना है, ध्येय का स्मरण करना चाहिए। अगला है, एतस्य गीतस्य रचयिता क, इस गीत के रचयिता कौन है, तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर, ये नाम है श्रीधर भास्कर वर्णेकर इस गीत के रचयिता है। अगला है, स कीदृशः कवि मन्यते, उनको कैसा कवि माना जाता है, तो राष्ट्रवादी, उनको राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मंजुषात क्रियापदानि चित्वा रिक् स्थानानि पूरयत। जो मंजुषा देवी है हमारे यहाँ पे, इसमें से हमें शब्द चुनकर, जो क्रिया शब्द हैं उनको चुनकर रिक् स्थान को पूरा करना है। जैसे दिया हुआ हमारा यथा, त्वं पुरतः चरणं निधेहि, तुम आगे कदम बढ़ाओ। क यहाँ पे दिया हुआ है, चल के नीचे अंडरलाइन है, त्वं विद्यालयं चल, तुम विद्यालय चलो। अगला है, राष्ट्रे अनुरिक्तिम विदेहि, राष्ट्र से प्रेम करो, मह्यं जलम देहि, मुझे जल दो। अगला है, मूढ़ जहिहि धन आगम तृष्णाम, हे मूर्ख धन के लालच को छोड़ो। अगला, भज गोविंदम, गोविंद का स्मरण करो, ईश्वर का स्मरण करो। सत्तम ध्येय स्मरणम कुरुम, सदा अपने ध्येय का स्मरण करो, अपने लक्ष्य का स्मरण करो। अगला प्रश्न है, उचित कथानानाम समक्षम आम, अनुचित कथानाम समक्षम न इति लिखित। जो उचित कथन है उसके सामने आम का मतलब होता है हाँ, और न का मतलब होता है नहीं, यह लिखो। तो पहला है, पुरुत चरणम निदेहि, सदा आगे कदम बढ़ाओ, तो यह कथन ठीक है, तो इसका हो जाएगा आम हाँ। पहला दिया हुआ हमारा, निज निकेतनम गृह शिखरे अस्ति, हमारा घर पर्वत पर है, तो आम हाँ हो जाएगा उत्तर। ख है इसका, सौख्यम बलम बाधकम भवति, अपना जो बल है, स्वयं की जो शक्ति होती है वो बाधक होती है, तो न नहीं। पथि हिंसा पशव न संति, पथि मतलब रास्ते में हिंसक पशु नहीं होते, तो ये गलत है, होते हैं, तो न हो जाएगा नहीं। गमनम सुक्रम अस्ति, गमनम मतलब यात्रा, सुक्रम मतलब अच्छी आसान, अस्ति है यात्रा आसान है, तो न नहीं हो जाएगा। अगला है, सदैव अग्रे एव चलनीयम, सदैव आगे ही चलना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आम हाँ। अगला प्रश्न है, वाक्य रचनया अर्थ भेदम स्पष्टीकृत, वाक्य रचना के आधार पर जो अर्थ भेद है वो स्पष्ट करें। तो पहला है परितः, परितः का मतलब होता है चारों ओर, तो वाक्य हो जाएगा, ग्रामम परितः वृक्षा संति, जो गांव है उसके चारों तरफ वृक्ष हैं। इसी का है हमारा पुरुतः,
पुरुतः का मतलब होता है आगे, तो सीतायाः पुरुतः रामः चलति, सीता के आगे राम चलते हैं। इसी तरह से अगला शब्द है नगः, नगः का मतलब होता है पर्वत, तो इसका वाक्य बन जाएगा हिमालय है संसारे प्रसिद्ध नगः अस्ति, हिमालय संसार में प्रसिद्ध जो पर्वत है वह है। और नागः का मतलब होता है सर्प, सांप, तो शेष नाग है सर्वोच्च भवति, जो शेष नाग है वह सर्वोच्च होता है। अगला शब्द है हमारा आरोहणम, आरोहणम का मतलब होता है चढ़ाई, पर्वतस्य आरोहणम सुखदम भवति, पर्वत पर चढ़ाई करना चढ़ना सुखद होता है। अवरोहणम का मतलब होता है उतराई, पर्वतस्य अवरोहणम रोचकम भवति, पर्वत से उतरना भी रोचक होता है। अगला शब्द है विषमः, विषमः मतलब आसमान, पर्वतस्य मार्गः विषमः एव भवन्ति, जो पर्वत के मार्ग हैं वो विषम होते हैं, टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे होते हैं। समः का मतलब होता है समान, तो राजपुत्रा नरपेण समः सन्ति, जो राजा का पुत्र है वो राजा के समान होता है। तो यहाँ पे ये अर्थभेद था, दोनों समान दिखने वाले शब्द लग रहे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है। अगला प्रश्न है हमारा मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, जो मंजूषा दी गई है हमारी उसमें से हमें अव्यय चुनकर रिक्त स्थान पूरे करने हैं। पहला है विद्यालयस्य पुरुतः एकम उद्यानम अस्ति, पुरुतः का मतलब होता है सामने, विद्यालय के सामने एक उद्यान है, बगीचा है। कह है सत्यम एव जयते, एव मतलब ही, सत्य की ही जीत होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने स्नान कर लिया है, खलु का मतलब होता है निश्चित रूप से। स तथा चिंतयति तथा आचरति, वह जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है। ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों तरफ वृक्ष हैं। नेक्स्ट है हमारा विद्या बिना जीवनम वृथा, वृथा मतलब बेकार, विद्या के बिना जीवन बेकार है। सदा भगवंतम भज, सदा भगवान को भजना चाहिए, सदा भगवान का स्मरण करो या ईश्वर का स्मरण करो। अगला प्रश्न है विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों को जोड़िए। पुरुतः का मतलब होता है सामने, पृष्ठ का मतलब होता है पीछे, स्वकीयम का मतलब होता है अपना, परकीयम का मतलब होता है पराया, भीति, भीति मतलब होता है डरना, साहस मतलब साहस करना, अनुरक्ति का होगा विरक्ति ही, अनुरक्ति का मतलब होता है प्रेम और विरक्ति का मतलब होता है अलगाव। गमनम का मतलब होता है जाना, आगमनम का मतलब होता है आना। अगला प्रश्न है लट लकार पदेभ्यः लोट विधि लिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत, तो जो नीचे दिए गए हैं वो लट लकार के दिए हुए हैं, उनका लोट और विधि लिंग में आपको निर्माण करना है। पहला है पटती, लोट में हो जाएगा पटतू और विधि लिंग में हो जाएगा पठेत। खेलसी लट लकार है, खेल हो जाएगा लोट लकार, खेले ही हो जाएगा विधि लिंग। खादंती है लट लकार, खादंतु हो जाएगा लोट लकार में, खादेयु हो जाएगा विधि लिंग लकार में। पिबामी है लट लकार, पिबानी हो जाएगा लोट लकार और विधि लिंग में हो जाएगा पिबेयम। हस्तः लट लकार है, हस्ताम हो जाएगा लोट लकार, विधि लिंग में हो जाएगा हसेताम। नयामह है हमारा लट लकार, नयाय लोट लकार में होगा और विधि लिंग में होगा नयेम। अगला प्रश्न है हमारा अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, नीचे दिए गए जो पद हैं उनको निर्देश अनुसार, जो निर्देश दिए हैं उनके अनुसार परिवर्तित करना है, बदलना है। यथा दिया हुआ है जैसे गिरी शिखर, इसका सप्तमी एकवचन बनाना है तो हो जाएगा गिरी शिखर है। पथिन का सप्तमी एकवचन बनाना है तो हो जाएगा पथी। राष्ट्र चतुर्थी एकवचने में होगा राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी एकवचने में होगा पाषाणे। यान द्वितीय बहुवचने में हो जाएगा यानानी। शक्ति शक्ति का प्रथमा एकवचने हो जाएगा शक्ति ही। पशु का सप्तमी बहुवचने हो जाएगा पशुसु। तो स्टूडेंट ये थे हमारे चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर।
उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।